ये जो हमारी कहानी है, ये कहानी एक ऐसी चिड़िया की जो रहती थी राजा के एक बगीचे के अंदर। तो राजा के पास जो एक बगीचा था, उस बगीचा में एक सुंदर सी जो थी एक अंगूर की बेल थी, और चिड़िया रोज वहां जाती थी और मीठे मीठे अंगूर को खा लेती थी, और जो खट्टे अंगूर थे उन्हें नीचे गिरा देती थी। ये सारा सीन देखकर राजा को बहुत बुरा लगता था। राजा ने सोचा कि इस चिड़िया को पकड़ के इसे मार दूंगा मैं। तो एक दिन राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। तो राजा ने जैसी उस चिड़िया को पकड़ा तो उसका गला दबाए हुए था। तो चिड़िया ने राजा से कहा, राजन मैं आपको ज्ञान की चार बातें ऐसी बताऊंगी, आप प्लीज मुझे थोड़ी सी कुछ कहने का मौका तो दो, उसके बाद भले ही मार देना। तो राजा ने कहा चल ठीक है। तो चिड़िया ने कहा, पहली बात, अपने दुश्मन के ऊपर कभी भी बिलीव मत करो, विश्वास मत करो। दूसरी बात, असंभव चीजों के ऊपर भी कभी विश्वास मत करो। और तीसरी बात, हर मौके का फायदा उठाओ। तो उसने कहा चौथी बात, तो क्या चौथी बात कहने के लिए मेरे गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स तो दो, मैं बोलूं कैसे, मेरा दम घुट रहा है। तो राजा ने उसकी गर्दन तो छोड़ दी। चिड़िया हवा में उड़ी और कहा कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, और एक लास्ट और फाइनल बात, पर जो चीज बीत गई ना उस चीजों को सोचकर कभी भी पश्चाताप मत करो। तो राजा जो था वो दुखी होने लगा, रहे इसके पेट में तो दो हीरे थे। चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूं, तो मुझे छोड़ा क्यों तुमने, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है, और अब छोड़ ही दिया है तो फिर पश्चाताप क्यों कर रहे हो। क्योंकि वैसे भी जो चीजें हाथ से निकल जाती है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना अगर उसके ऊपर हम पश्चाताप करते हैं तो शायद ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब।